नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पे आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर है, जहां पर जिला प्रशासन के दावों की पोल खुली है। और गुरुग्राम एम्बियंस मॉल के बाहर आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर धुएं का गुब्बारा दिखाई दे रहा है और मॉल के जनरेटर से ये धुआं उठा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जनरेटर ने फिर बढ़ाया सांसों का संकट, जहां पर जिला प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। और गुरुग्राम से ये खबर है, जहां पर एम्बियंस मॉल के सामने धुएं का गुब्बारा खुला हुआ नजर आ रहा है। और बता दें कि मॉल के जनरेटर से ये धुआं उठा है, जनरेटर ने फिर लोगों के सांसों का संकट बढ़ाया है जिला प्रशासन के दावों की, ऐसे में पोल खुलती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जहां पर गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आ रही है, जिला प्रशासन के दावों पर पोल खुलती नजर आ रही है। और बता दें कि एम्बियंस मॉल में धुएं का गुब्बारा खुला है और जनरेटर ने लोगों के सांसों का संकट बढ़ाया है, और ऐसे में जिला प्रशासन के जितने भी तमाम दावे हैं उसकी पोल साफ तौर पर खुलती चली आ रही है। एक तरफ जहां प्रदूषण का स्तर वैसे ही बढ़ा हुआ है, और इसको देखते हुए 17 नवंबर तक के लिए सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हरियाणा सरकार की तरफ से। 4 जिलों के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब ये गुरुग्राम से तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं हम आरटीवी स्क्रीन पर, गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल की तस्वीर है, जहां पर जनरेटर से आप देख सकते हैं किस कदर धुआं फैलता चला जा रहा है, और कुछ ही देर में एकदम धुआं पूरा आसपास का इलाका धुआं धुआं हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां प्रदूषण भरा हुआ है, वहीं पे ये धुआं लोगों के और दिक्कतों को बढ़ा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ऐसे में जिस तरह से तमाम दावे किए जा रहे हैं प्रदूषण के स्तर को रोकने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अब इस तरह से अगर गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के बाहर धुएं का गुब्बारा फैलता चला जाएगा तो लोगों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जो जिला प्रशासन है, उनके दावों की पोल खुलती साफ तौर पर नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से धुएं का गुब्बारा चारों ओर फैला हुआ है, पूरी चारों ओर गुब्बारा धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, धुएं की चादर ओढ़ ली है, और इस जनरेटर की वजह से इतना ज्यादा धुआं देखने को मिल रहा है। और अब आपको बता दें कि जिस तरह से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, प्रदूषण के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कहीं लोगों को खराश की समस्या आ रही है, लोगों को आंखों में जलन भी हो रही है। अब ऐसे में जनरेटर के इस तरह से धुआं निकलने की वजह से और भी ज्यादा दिक्कतों का बढ़ना तय माना जा रहा है। और बता दें आपको कि पहले ही हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, प्रदूषण को देखते हुए 4 जिलों के स्कूलों को बंद करा है 17 नवंबर तक के लिए। अब ऐसे में जहां स्कूलों को बंद करने के बाद प्रदूषण पर रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यहां आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, इस तस्वीरों से साफ तौर पर जिला प्रशासन की नाकामी दिखाई दे रही है, जहां पर जिला प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जनरेटर से धुआं ही धुआं फैलता चला जा रहा है और चारों ओर सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम में अब जनरेटर की वजह से धुआं ही धुआं फैलता चला जा रहा है। ये एम्बियंस मॉल की तस्वीरें बता रहे हैं कि एम्बियंस मॉल के बाहर जनरेटर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुएं की चादर ओढ़ ली गई है आसपास के इलाकों में, और जनरेटर ने लोगों के सांसों को संकट में डाल दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, AQI 420 के पार होता चला जा रहा है। ऐसे में अब इस तरह की तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक मानी जा रही है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है, ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित कुमार जुड़ चुके हैं। मोहित, ये तस्वीरें गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल से नजर आ रही है, जहां पर जनरेटर की वजह से धुएं की धुंध चारों ओर फैल गई है। जी, मैं बताना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें हैं गुरुग्राम के, जो दिल्ली बॉर्डर जो पड़ता है उस पे एक यू टर्न है एम्बियंस मॉल के बाहर, जिसमें कि दिल्ली का चक्कर ना काटते गुड़गांव के अंदर गाड़ियां मुड़कर वापस गुड़गांव जा सके, उस यूटर्न के बाहर जो जनरेटर ऐसा लगा था, जहां पर तस्वीरें सामने आई हैं सीधे तौर पर सबसे पहले हर खबर हरियाणा में तस्वीरें दिखाई जा रही है। बता दूं कि इस धुएं से अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से राज्य सरकारें पोल्यूशन को लेकर लगातार चिंतित नजर आ रही है, लगातार सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक जो आदेश कर रहा है, और ऐसे में गुरुग्राम के हिस्से के अंदर जिस तरीके जनरेटर धुआं उठ रहा है, उससे कहीं ना कहीं सांसों में संकट जो है इस धुएं की वजह से जरूर बन रहा होगा लोगों के ऊपर। और आसपास के इलाके बता दूं कि धुएं की वजह से काफी
बड़ा जो वो बार हेड होएगा वो खड़ा हो गया। जी मोहित, जिस तरह से सरकार, हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है प्रदूषण को कम करने का, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ओर से सारे प्रयास कर रही है प्रदूषण को रोकने के लिए, ऐसे में इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही है जिला प्रशासन के साफ तौर पर नाकामी को दिखा रही है। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये जो धुआं है ये जिस तरीके से आकाश की तरफ बढ़ रहा है ऐसे ऐसे उसी तरीके से जो पोल है वो भी खुलती नजर आ रही है। जो धुआं है साफ तौर पर अंदाजा देखकर लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से धुएं का रंग है उसे कहीं ना कहीं कितना खतरनाक ये धुआं है, क्योंकि ताला पर धुएं के अंदर साफ सीधे तौर पर देखा जा सकता है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धुआं कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उस पॉल्यूशन को बढ़ाने का जरूर काम करेगा। जी जी मोहित, और अगर प्रदूषण की बात करें तो अभी गुरुग्राम में फिलहाल में प्रदूषण का स्तर कितना है, AQI कितना लेवल दर्ज किया गया है अभी? लेकिन आपको बताना चाहूंगा प्रदूषण की एक लेवल की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम के अंदर जो AQI है वो तकरीबन 450 के पास बताया जा रहा है, और ऐसे में जो है पल पल जो है AQI लेवल जो है अपडेट होता है, ऐसे में कुछ भी फिक्स तौर पर कहना नहीं कहा जा सकता, मगर हाँ 450 के बाहर जरूर ये पॉल्यूशन लेवल लगातार गुरुग्राम में मापा जा रहा है। जी ऐसे में मोहित, अगर सरकार के प्रयासों की बात करें तो अब तक गुरुग्राम में किस तरह के प्रयास को अपनाया गया है प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए, लोगों की जान को जो खतरा बना हुआ है, सांस लेने में लोगों को जिस तरह से दिक्कत हो रही है उससे बचाव के लिए? देखिए अगर सरकार की अगर बात करें, जिला प्रशासन की अगर बात करें, तो इसको लेकर जागरूकता जरूर ग्रामीण इलाकों में जरूर बढ़ाई गई कि अपने खेतों में वो आग ना लगाए, मगर हाँ गुरुग्राम शहर की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर ऑटो डीजल ऑटो है उनको लेकर के जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि 2 दिन जो स्कूलों को ग्राम बंद रखा जाएगा, जो ऑटो है उनको भी जो 15 साल से ज्यादा के डीजल के ऑटो है उनको पुलिस है वो जल्द से जल्द बॉन्ड करे, उनको बंद करे, ऐसे किसी भी ऑटो को गुरुग्राम में चलने की जो अनुमति ना दी जाए जो कि अपने निर्धारित जो उसकी वैलिडिटी है यानी जो समय है 15 साल का वो पूरा कर चुका हो। जी मोहित, और जिस तरह से अगर आपने बताया कि लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, अगर जनता की बात करें जो वहाँ के लोग हैं, अगर वहाँ के लोगों से पूछे कि किस तरह के वहाँ पे प्रदूषण से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उनके क्या हालात हैं अभी? जी बताना चाहूंगा प्रदूषण के कारण जनता ने जो हमने बात की तो साफ तौर पर लोगों ने कहा है कि आंखों में एक जलन सी महसूस होती है हर रोज सोते समय, और बता दें कि रात को अधिकतर जो लोग हैं वो अपने अंदर जो है खांसी महसूस कर रहे हैं, वो बिना किसी दिक्कत के भी जो है खांसी उनको हर वक्त रहती है, और बता दूं कि दम घोटू जो वातावरण गुरुग्राम में तैयार हो गया, अखंड संख्या है तो स्वास्थ्य विभाग की अगर हमने आंकड़ों की माने तो गुरुग्राम नागरिक स्थान के अंदर लगातार जो संख्याएं बढ़ रही है खांसी से संबंधित और समय समय से मरीजों की बात करें अगर हम मेडिकल स्टोर की तो बता दूं कि मेडिकल स्टोरों के ऊपर भी जो लगातार जो दवाइयां हैं खांसी संबंधित चाहे हम टैबलेट की बात करें या फिर टॉनिक की बात करें दोनों ही जो बिक्री है वो लगातार बढ़ रही है, लोग ज्यादा चीजों को खरीद रहे हैं। जी मोहित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जहां दमघोटू वातावरण बना हुआ है वहीं हरियाणा सरकार तमाम तरह के फैसले ले रही है इस प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ताकि लोगों की जो जिंदगी है उसके साथ खिलवाड़ ना हो सके, और वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जनरेटर की वजह से किस तरह चारों ओर से धुआं धुआं फैला है, और इस धुएं की वजह से लोगों को किस तरह से सांसों की दिक्कत हो रही है, सांस लेने में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दमघोटू माहौल, दमघोटू पर्यावरण वातावरण जो बताया जा रहा है, ऐसे में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए ये एक तरह से जिला प्रशासन की नाकामियों को दर्शाता है। अब ऐसे में हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है कि ये प्रदूषण को स्तर को कम किया जाए।